हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। और जो हमने जनरल अवेयरनेस की सीरीज शुरू की थी, आज उसका 9th पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो विजिट कीजिए, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और किसी भी वीडियो के PDF के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं brainengineers.in पे। और शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अनोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन बाय, जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की उसको भंग किसने किया था? तो वो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कब किया था? 1911 में किया था, 1911 में। और पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द चोला एम्पायर, चोला एम्पायर किसने फाउंड किया था? तो किया था राजा विजयाला ने किया था। विच वॉज द फर्स्ट सेटेलाइट ऑफ इंडिया गो इन टू द ऑर्बिट, तो इंडिया की पहली सेटेलाइट कौन सी है? तो वो है आर्यभट्टा, जो 1975 को लॉन्च की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा संविधान बनने के लिए कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कब अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे संविधान में वो किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं USSR से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो 11 हैं नंबर में। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो USA से लिए गए हैं और आयरलैंड से हमने DPSP लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईफोकल लेंस इज यूज्ड बाय अ पर्सन हु हैज़, जो बाईफोकल लेंस है वो कौन से पर्सन यूज़ करते हैं? तो वो करते हैं प्रेस बायोपिया के, जिन्हें क्लियरली कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना पास का ना दूर का, तो उनके लिए बाईफोकल लेंस होते हैं। अगर मायोपिया की बात करूँ तो इसे नियर साइडनेस बोलते हैं, मींस नज़दीक का साफ दिखाई देता है और दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस की यूज़ किया जाता है। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो इसे फार साइटनेस बोला जाता है और इसे कन्वेक्स लेंस से करेक्ट किया जाता है। हु बॉलिश्ड द ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल था तो वो किसने बॉलिश किया? तो वॉरन हेस्टिंग ने किया था। और शुरू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। वॉरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड, जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो हमारे किस स्टेट में है? तो वो है मणिपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु रिसीव द लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम, तो जो चिल्ड्रंस हैं जिन्हें कम सनशाइन मिलती है वो किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो वो होते हैं रिकेट से, और रिकेट विटामिन डी की कमी से होती है और सनशाइन से हमें विटामिन डी मिलती है। अगर स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होते हैं, और स्टरलिटी की बात करें तो विटामिन ई की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज नॉट अफेक्टेड बाई रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वो कौन सी टेरिटरी है जो अफेक्ट नहीं हुई? तो वो है चित्तौर। अगर झांसी की बात करें, जो झांसी से लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और कानपुर से बात करें तो कानपुर से नाना साहेब एंड तांतिया टोपे ने, और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया था। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी PDF के लिए हमारी साइट ज़रूर विज़िट कीजिए। और Have a good day.